वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का ये ब्लॉग हमारे एक कॉन्टेस्ट का हिस्सा है, इसलिए ये स्पेशली मंडे को आया है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, ये आयुष मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जैसे आपको पता है 21 जून आ रहा है और योगा दिवस आ रहा है जो पूरा विश्व एक साथ मनाएगा। अब आपको पता है 21 जून को ही क्यों? अब 21 जून को इसीलिए क्योंकि देखो 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है? और ये जो होता है ना योगा, वो आपकी लाइफ के जो आपकी जो आयु है उसको लंबी कर देगी। यानी कि अगर आप रोज योगा करेंगे, उसको अपनी हैबिट में डाल लेंगे, तो आपकी आयु लंबी होगी। तो अगर आप योगा करते हैं तो वो क्या असर करेगा आपकी बॉडी पे, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अगर आप योगा करते हैं रोज, तो नंबर एक, वो आपकी शक्ति बढ़ाएगा, इन द सेंस कि आपको इम्यूनिटी भी देगा जो आपको चाहिए इस समय, क्योंकि कोविड चल रहा है। और फिर ये क्या करेगा, ये एक हार्मनी क्रिएट करेगा आपकी बॉडी और माइंड में। और जब दोनों का संतुलन एक साथ चले तो आपके सक्सेस की तरफ रास्ता साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं योगा के बाकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो योगा आपके जो बॉडी का सिस्टम है उसको सुधारेगा। ये जो है आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, यानी कि आप अपनी बॉडी को कहीं से भी मरोड़ सकते हैं। और फिर ये क्या करेगा, ये आपके जो सांस लेने का तरीका है उसको ठीक करेगा। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया योगा तीन प्रकार के होते हैं, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक मेडिटेशन और एक आसन। तो आज हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है? तो अब हम एक साथ शुरू करते हैं। याद रखिए, इन सारे एक्सरसाइजेस को करते हुए अपनी पीठ को सीधा रखिएगा, उसे मोड़ के मत रखिएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आपको अपनी सांस खींचनी है, उसे जितने देर तक रोक सके रोकना है, और फिर उसको धीरे धीरे से वापस छोड़ना है, ठीक है? तो ये आप जितनी देर तक रोक सके रोकिएगा, पर ज़बरदस्ती मत रोकिएगा, ठीक है? अब हम शुरू करेंगे। अब हम दूसरा करेंगे अलोम विलोम। नाम तो सुना ही होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें नाक को राइट साइड वाले को थंब से दबाना है, और जो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल है उसको रिंग फिंगर से दबाना है, ठीक है? तो जैसे अगर हम राइट से सांस खींचेंगे तो हम उसे लेफ्ट से छोड़ेंगे, और अगर लेफ्ट से खींचेंगे तो राइट से छोड़ेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। और आपको एक फैक्ट बताती हूँ, जो हमें सुबह सुबह पीटी के लिए उठाते हैं, जो 5 बजे के आसपास होती है, उसमें भी हम सारे कैडेट्स को योगा ज़रूर करवाते हैं, और योगा से ही कैंप में हमारे दिन की शुरुआत होती है। आप भी शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग।